मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। ये क्या गोपी आखिर इस तरह क्यों है हैरान परेशान? क्या गोपी बहू पर फिरा पड़ी है एक नई आफत? एक्सप्रेशन तो कुछ ऐसे ही लगते हैं। अरे ये क्या गोपी बहू की प्रेजेंटेशन किसने बिगाड़ी? जरूर इसके पीछे परिधि और मोना का हाथ होगा। दरअसल ये दोनों बिल्कुल भी नहीं चाहती कि गोपी किसी तरह अपना बिजनेस खड़ा कर लें, और वो हमेशा किसी न किसी तरह इसी टोह में लगी रहती हैं कि किस तरह गोपी और उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी कड़ी में उन्होंने ये नया कारनामा अंजाम फरमाया है। अपनी मेहनत पर यूं पानी फिरते देख गोपी बहू का हाल बेहाल हो जाना तो लाजमी है। अब देखना ये होगा कि अब आगे बढ़कर गोपी बहू को इस नई मुसीबत से कौन निकालता है। चलिए इस सीरियल के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं गोपी बहू के नए नवेले दूल्हे राजा डॉक्टर कृष्णा से। अंदर रूम में भी काफी टेंशन थी आज कि कहीं कुछ कैसे गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, जैसे कि परिधि और मोना हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बदमाशियाँ, तो फिर से उन्होंने कोई बदमाशी की है जिसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको भी। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सलूशन ही नहीं है। नहीं, आई मीन जैसे हर प्रॉब्लम का एक सलूशन, तो इसका भी सलूशन निकल ही आएगा। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि परिधि और मोना ने कुछ बदमाशी की है जिसकी वजह से सबके चेहरे ज़्यादा चेंज हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डॉक्टर कृष्णा है, हर मर्ज़ की दवा है। जब एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, तो ये रास्ते से तो नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरा रास्ता मेरे पास है और मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये थी सीरियल साथ निभाना साथिया के डॉक्टर कृष्णा से छोटी सी मुलाकात। इसी मुलाकात के साथ ही फिल्मी बीट में बस इतना ही।